वैसे भी तू पागल हो गया है, ऐसा पूरा शहर मान चुका है। तू खुद से ये गन लेकर शूट करके मर जाएगा तो सब लोग भरोसा कर लेंगे। कर लेंगे ना? कर लेंगे ना? मजा आ रहा है? ये टिंग 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 टिंग। अखिल, सोनिका को अंदर गए हुए 20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आई वो। तू जाकर देखकर आएगा क्या? ठीक है भैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोनिका, सोनिका कहाँ चली गई है? सोनिका, कहीं ये ऊपर तो नहीं चली गई? सोनिका, सोनिका कहाँ चली गई? कहाँ जाकर ढूंढूं? सोनिका, यहां भी तो नहीं है। मम्मी, मम्मी, गुड। उसके बाद क्या हुआ? बस इतना ही डॉक्टर, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। अखिल, अभी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उनके ठीक से जवाब दोगे? यस डॉक्टर। तुम्हारी माँ का नाम क्या है?
से पकड़। हाँ पकड़ा है, आप बांधो माँ। लक्ष्मी। हाँ आती हूँ। अखिल मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। लक्ष्मी। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है? अखिल मैं तुम्हारे वेलविशर के तौर पर कुछ बातें बताऊंगा, सुनोगे? हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, उन्हें हमें याद करके आगे बढ़ना होता है, तभी हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। इसी के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर हमें जिंदगी जीनी चाहिए, तभी हमारी जिंदगी अच्छी होगी। अब तक जो हुआ वो सब भूल कर तुम अगर कल से घर में खुशी और उत्साह के साथ लाइफ को लीड करना, ओके? इसका मतलब डॉक्टर मैं घर जा रहा हूँ? यस। वेंकटेश ये फाइल डॉक्टर बाला को दिखाकर डिस्चार्ज के लिए उसे साइन करवा लेना। ओके सर। ठीक है ना। हेलो भास्कर। हेलो डॉक्टर। आप ठीक हो ना? आई एम फाइन थैंक यू डॉक्टर। अब अभी अखिल कैसा है? अखिल को आप अभी घर ले जा सकते हैं। सीरियसली डॉक्टर अखिल नॉर्मल हो गया? यस भास्कर, एक साल से उसकी माँ जिंदा है इस भ्रम में जीने वाले अखिल की हेल्थ कंडीशन कंप्लीटली क्लियर हो गई है। एंड वन मोर थिंग भास्कर जी, आगे से आपको भी उसका होशियारी से ध्यान रखना होगा। उसको कभी भी अकेले मत रहने देना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसी भी वजह से अखिल के ऊपर कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना हो, इस बात का ध्यान रखना। श्योर श्योर डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। भैया। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो भैया? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इतने दिनों से आप मिलने भी नहीं आए, बात भी नहीं हुई, आप क्यों नहीं आए? तू खुद घर पर आएगा और फिर बातें करेंगे, इसका इंतजार कर रहा था। अखिल चलो चलते। पापा से अभी भी बात नहीं करते क्या? ठीक है चल चलते हैं।
a joker in the story. He was happy 10 to 10 people. When people start to bully him, his happy face turned to anger. Ah! लक्ष्मी, जेनिफर से तुमने क्या कहा? कल से काम पे मत आना, ऐसा कहा है मैंने। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्यों कहा मतलब? आप हमेशा मेरे ही पति रहे इसलिए। लक्ष्मी, तुमने हम दोनों के रिश्तों को गलत समझ लिया। हाँ, आप दोनों के रिश्ते को मैंने गलत समझ लिया है। आपको उसे 50,000 देना, नई साड़ी दिलाना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आपने फोन पे कहा उससे। ये सब कुछ मुझे नहीं पता है, ये गलतफहमी आपको है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने में मुझे शर्म आ रही है। अरे, तुमने आज तक मुझे बस इतना ही समझा है। उसकी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तब पैसे नहीं, उसने कहा, इसलिए मैंने 50,000 दिए। हर साल तुम अपने बर्थडे पर उसे नई साड़ी देती थी, इस बार तुमने उसे नहीं दी, इसीलिए मुझे देनी पड़ी। उसकी माँ हॉस्पिटल में मर गई, इसलिए वो अपसेट थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा आज से बड़ा और तुम्हारा गार्जियन हूं। ये सब छुप छुपा कर कहां हुआ है लक्ष्मी? सब कुछ तुम्हें पता है, वैसा ही हुआ है। तुमने मुझ पर शक किया? इंसानियत नहीं है क्या तुम्हें? सच कहा, मुझ में इंसानियत नहीं है। आप पर भरोसा करके वो आई है, उस कामवाली के लिए आप मुझे डांट रहे हैं? शर्म नहीं आती है आपको? थू! लक्ष्मी, क्या है? अखिल, तुम रेस्ट कर लो। अखिल, कैसे हो बेटा? मैंने तुम्हारे डैडी को कितनी बार कहा कि तुम्हारे पास लेकर जाएं, उन्होंने कहा अब आएगा तब आएगा, ये कह कहकर पूरा साल निकाल दिया। अब तुम वहां रहकर कितने दुबले पतले हो गए हो बेटा। कल से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता मैं तुम्हें बना कर दूंगी, ठीक है? कल से नहीं, अभी के अभी जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो बना कर ले आती हूँ मैं। क्या चाहिए बोलो? मुझे भूख नहीं है, नींद आ रही है। भैया!
अखिल, मुझे ढूंढ रहे हो क्या बेटा? मैं तो यहीं पर हूं। इधर आओ बेटा, मैं इस तरफ हूं, आओ। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं पापा, वो कबर्ड से। जाओ जाकर सो जाओ। पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं आई थी तुम्हारे कमरे में तुम्हें दूध देने के लिए, पर तुम सो गए थे तो तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, तो तुम्हारे लिए गरम गरम बूस्ट। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा फेवरेट पुलाव बना रही हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? गुड मॉर्निंग अखिल, तुम्हारा फेवरेट पुलाव बनाया है, जल्दी रेडी होकर के आ जाना, साथ में खाएंगे। घर के काम वाली से शादी की इस बात से तुम नाराज हो या फिर गुस्सा हो? मां का डाउट एकदम सच था, लेकिन पापा ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं ऐसा कोई ड्रामा करके मां को मार दिया, और उसी वजह से मैंने पापा से बात करना बंद किया। लेकिन पापा को मेरे साथ एक बार भी बात करने का दिल नहीं किया, मां ने जबरदस्ती की थी, इसलिए मैंने एक बार पापा से बात की। उतने में ही मां के मरते ही पापा ने जेनिफर से शादी कर ली। तभी मैंने डिसाइड किया कि इस जन्म में तो मैं कभी भी अपने बाप से बात नहीं करूंगा। ना
नाश्ता रेडी है। आया पापा। नाश्ता अच्छा ना अखिल? पापा मुझे स्कूल कब भेजने वाले हैं? हेडमास्टर से बात कर लूंगा। एक मिनट, तुम खाना खाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग भास्कर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, बोलिए। कुछ खास नहीं, अखिल जब से घर पर पहुंचा है तब से उसके बिहेवियर में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, लेकिन पहले जितना एक्टिव नहीं है। थोड़ा सा डल है वो। हाँ, लेकिन एक बात हुआ, कल रात को लक्ष्मी के रूम में जाकर कपाट खोलने की कोशिश की उसने। अलमारी खोलने की कोशिश की उसने? हाँ, इतने में मैं वहां पहुंच गया और उसे वापस ले आया। ओके, अलमारी में उसकी माँ की कोई चीज या उसकी कोई खास चीज रखी है क्या? वैसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी की कुछ चीजें हैं उसके अंदर। भास्कर जी, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए फोन किया था। कहिए। मैं आपको उसी दिन बताने वाला था, लेकिन आपका बेटा डिस्चार्ज हो रहा है इस बात से आप बहुत खुश थे। उस खुशी को मैं बर्बाद क्यों करूं, इसलिए मैंने कहा नहीं। बात यह है कि आप जैसा सोच रहे हैं, आपका बेटा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। व्हाट? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस भास्कर, अब तक उसे सिर्फ उसकी माँ के गुजरने तक की चीजें याद हैं। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं वो उसे याद नहीं है। आप उसे कुछ भी जबरदस्ती बताने की कोशिश मत करना। अगर उसे चीजें अपने आप ही याद आएंगी तभी ठीक रहेगा और वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। अगर उसे फोर्सफुली आपने कुछ कहा तो उन बातों से उसको पक्का शॉक लगेगा। इट मे कॉज हिम बिग ट्रबल। अरे, ट्रबल का क्या मतलब? वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। क्या डॉक्टर, इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो उसे आपको वहीं रखना था? हम उसे यहीं पर रख सकते थे भास्कर, लेकिन कुछ पेशेंट के साथ हम क्या करते हैं आपको पता है? हम उसी पुरानी जगह पर उसे फिर से भेजकर ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से कभी कभी पुरानी यादें वापस आने का चांसेस होता है। That is the reason we discharge अखिल। Don't worry भास्कर, अखिल जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आता है तो आप मुझे तुरंत फोन करना। ओके, श्योर डॉक्टर। पापा, वो स्कूल के। अखिल, इस वीक में जेनिफर के ब्रदर रॉबिन को डिनर के लिए इनवाइट करने वाले, क्या कहते हो? जैसी आपकी इच्छा। वापस आए? हॉस्टल? मैं हॉस्टल में था, ये तुझे किसने कहा? अंकल ने कहा। अंकल ने कहा? ओके, मैं लास्ट वीक ही आया हूँ। मोहक, मनीष, वो सब लोग कैसे हैं बता? वो सभी लोग ठीक हैं। वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? उस दिन जब मैं और मेरे पेरेंट्स गेट टुगेदर पार्टी के नाम पर तुम्हारे घर आए थे ना, तभी वॉशरूम के लिए जब मैं तुम्हारे घर के अंदर गई थी तभी एक इंसिडेंट देखा मैंने, उसे तुमने गलत समझ लिया। इंसिडेंट? उस दिन तेरी मम्मी और जेनिफर। हाय सोनिका। हाय अंकल। अकेली आई हो? नहीं अंकल, मम्मी डैडी के साथ आई हूँ। आइए आइए। कैसे हो भैया? अच्छा हूँ, आप लोग कैसे? हम अच्छे हैं। हम लोग अच्छे हैं। सॉरी, उस दिन जो घटना हुई
उससे आप लोग अपसेट हो गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। वैसी कोई बात नहीं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप लोग को तकलीफ दे रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं जी, उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, उसके लिए आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं। पापा, इस वीकेंड सोनिका को लंच पर इनवाइट करते हैं ना। अरे अखिल, उन्हें काम होगा ना। जाते हैं ना प्लीज मम्मी, अखिल के साथ टाइम स्पेंड किए हुए बहुत दिन हो गए। प्लीज माँ, प्लीज माँ। एक काम करते हैं, आप लोग को मेरे घर आए बहुत दिन हो गए, इसी वीक में प्लान कर लेते हैं। प्लीज आ जाइए। प्लीज आपको आना ही होगा। ठीक है भैया, हम लोग आएंगे। सोनिका हैप्पी होगी ना। बाय बाय। चलते हैं भैया। बाय बेटा। चलते हैं। चलो सोना। सोनिका, तू किसी इंसिडेंट के बारे में कह रही थी ना, क्या है वो? अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट वीक तेरे घर आऊंगी तब बताऊंगी। बाय बाय बाय। पापा, सोनिका को आपने ऐसा झूठ क्यों कहा था कि मैं हॉस्टल में हूँ? तो क्या फिर तू मेंटल इंस्टीट्यूट में था, ऐसा सच बोलना चाहिए था क्या? पहले ही तेरी माँ मुझे बहुत दर्द देकर चली गई, वो काफी नहीं है बोलकर तेरा भाई भी है। बेटा, तुझे कोई पागल कहकर बुलाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। तू सोचा। पापा, एक बात पूछता हूँ, सच बताएंगे क्या? उस रात को हुआ क्या था? अगर उसे फोर्सफुली आपने कुछ कहा तो उन बातों से उसको पक्का शॉक लगेगा। इट मे कॉज हिम बिग ट्रबल। वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अभी वो सुनकर क्या करेगा? आराम से सो जाओ। और हाँ, आज सुबह तुमने पूछा था ना कि स्कूल कब भेजेंगे? हाँ। जल्द से जल्द जाओगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। हे हे, कौन हो तुम लोग? हे, घर के अंदर क्यों घुसे हो? हे हे, क्या करने वाले तुम लोग मेरे बेटे के साथ? कौन हो तुम लोग? हे, कौन है? कौन हो तुम लोग? हे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? कहाँ आ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, 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 मैंने कहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हे हे, कौन हो तुम लोग? बताओ, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग?
भैया। हाँ? मुझे लग रहा है माँ ने सुसाइड नहीं किया बल्कि मर्डर है। मर्डर? हाँ, और मर्डर उस जेनिफर ने ही किया होगा पक्का। जेनिफर? हाँ बिल्कुल, जेनिफर के बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे हैं। उस दिन सुपरमार्केट में सोनिका मिली थी, उस दिन वो लोग गेट टुगेदर पे आए थे ना। हाँ। उस रात उसने कुछ तो देखा, वो वही मुझे बताने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पापा आ गए। लेकिन वही बात जानने के लिए मैंने उन्हें लंच पर इनवाइट किया था, तभी जेनिफर के चेहरे पर डर नजर आया। हमारे बुलाने पर वो लोग नहीं आए, इसके लिए भी उसने ट्राई किया। और उसके अलावा कल रात को वो लॉन एरिया में किसी से गन ले रही थी, और यही सब देखने के बाद मुझे उस पर डाउट हो रहा है। सोनिका से वो बात जानने तक हम लोग पेशेंस रखते हैं, और हाँ, इस बात को पापा को मत बताना। ठीक है भैया। अखिल आया पापा। आया है, मैं तब से देख रही हूँ, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन जमा करके अपने पापा को देने के बारे में सोच रहा है ना। ऐसे इन्फॉर्मेशन देने से तुझे क्या लग रहा है, वो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तेरे मुंह में जो आ रहा है वो बक रहा है, ऐसा कहकर तुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे। फालतू में तुझे ये सब क्यों चाहिए, ये आखिरी बार है। दोबारा अगर तूने मेरा पीछा किया ना, तो तेरी मम्मी जहाँ पर है, तुझे भी वहीं पर भेज दूंगी। समझ में आया क्या? सो जा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या बात है अखिल? पापा, वो कल रात कल रात को क्या हुआ अखिल? पापा, वो का मतलब? हेलो अंकल। हेलो रॉबिन, वेलकम मैन। अंकल, यू लुकिंग गुड इज आउटफिट। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और कैसा चल रहा बिजनेस? सब आपका आशीर्वाद है। हाँ, ऊपर वाले का तो है। हाय अखिल। लो, ले लो। और अंकल? और रॉबिन, सब ठीक है? एकदम मस्त चावल की रोटी बनवाई है। ओ सुपर अंकल। क्या है?
अंकल बस बस। अरे शर्माओ मत यार। शर्माने के लिए किसी और का घर थोड़ी है, हमारा घर ही अंकल। अखिल क्या सोच रहे हो, सो पियो। पापा, आप जैसा सोच रहे हैं जेनिफर वैसी नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? हाँ पापा, मम्मी ने सुसाइड नहीं किया, जेनिफर ने ही मर्डर किया उनका। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, मैं दीदी का मर्डर क्यों करूंगी? ड्रामा मत कर तू। अखिल कीप क्वाइट, बेकार की बात मत करो। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे अखिल कुछ भी कहानी बनाकर झूठ मत बोलो। मैं कोई भी कल्पना करके नहीं बोल रहा हूँ, जो आंखों से देखा वही बोल रहा हूँ। नहीं बेटा वो जेनिफर, तू आगे बोल। परसों रात को ये लॉन एरिया में किसी से गन ले रही थी पापा, मैंने वही सब देखा। ये किसी को भी मत बताना, बताओगे तो तुझे मारूंगी, ऐसा कहकर मुझे धमकी दे रही थी ये, और गन दिखाकर डराया भी पापा। मुझे इस घर में इसके साथ नहीं रहना पापा। ये घर मेरा है, और अगर मेरे साथ इस घर में रहना पसंद नहीं है तो मर जा। अखिल ये घर मेरा है, और अगर मेरे साथ इस घर में रहना पसंद नहीं है तो मर जा। अखिल 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 अखिल। पापा इतना चुप क्यों गया बेटा, सो पियो। अंकल अखिल आजकल बहुत चुप चुप सा रहता है। पहले तुम कितनी मस्ती किया करते थे पता है ना? एक बात तुझे याद है क्या, मैंने कहा था अखिल तुम मुझे एक किस ही दो ना, तो तू किस करने के लिए आया और जोर से काट लिया था मुझे। उस दिन से तो तुम्हारा किस छोड़ो, मैं तुम्हारे पास आने से भी डरता था। अखिल तुझे एक और बात याद है क्या, अंकल शहर में नहीं थे तभी तूने मुझसे कहा कि बाहर कहीं घुमाने ले चलो, तो मैंने भी ठीक है कहकर तुझे बाइक पर बैठा लिया और पूरा गांव घुमाया था तुझे। कुछ खाने के लिए मिलेगा बोला था तूने, ओके बोलकर बेकरी के पास चला गया था। तूने वहां पर टॉफी खाई और आइसक्रीम खाई, आखिर में मुझे पूरी बेकरी चाहिए बोलकर बैठ गया था वहां पर। मुझे तो लगा था कि तू मजाक कर रहा है, उसके बाद देखा तो कैश काउंटर पर बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे पूरी बेकरी चाहिए, मुझे तो टेंशन हो गई थी। बाद में मैंने अंकल को बुलाया और तुझे शांत करके वापस घर पर लेकर आया, और वही आखिरी बार था। उसके बाद से तूने कितनी बार कहा फिर भी मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं किया, बड़ा पन दिखा रहा है।
अच्छा तुझे एक और बात याद है क्या, मैं तू और अर्जुन जब सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना तो मैं आउट हो गया था। मैं तुम लोगों को बैटिंग नहीं देना चाहता था और तू कह रहा था तुझे बैटिंग चाहिए, लेकिन मैंने तुझे दी नहीं, इसलिए तुझे गुस्सा आ गया और तूने मुझे जोर से। अखिल, रॉबिन, सॉरी रॉबिन, वो बच्चा। इट्स ओके अंकल। मम्मी, चल अखिल चलते हैं। रॉबिन, रॉबिन सॉरी, सॉरी रॉबिन, सॉरी सॉरी। इट्स ओके अंकल, नो प्रॉब्लम। वो बच्चा है, सॉरी। कोई बात नहीं। सॉरी रॉबिन। अरे अंकल, अखिल मेरे भाई जैसा है, मैंने ही थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, लगता है बेचारा वो डर गया। अंकल टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ओके, संभल कर। ओके अंकल, श्योर श्योर श्योर, घर पहुंचने के बाद आपको कॉल करूंगा अंकल। बाय बाय। श्योर, हैप्पी जर्नी। सोचा बेटा अभी ठीक हो गया ना तू? बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? रेस्ट कर। मैं पहले से आधा मरा हूं, अभी जो मेरी सांसें चल रही हैं वो सिर्फ तेरे लिए बेटा, तेरी खुशी के लिए। तेरी खुशी में मुझे तेरी मां नजर आती है। अगर आज तेरी मां इस घर से दूर नहीं गई होती तो आज जो मेरा दिल है ना, वैसा नहीं होता बेटा। बेटा, मेरी जिंदगी और मेरी जान दोनों तू ही है। रेस्ट कर बेटा। देख कर चलना चाहिए ना भैया। हाँ? मैं खुद ब खुद फिसल कर नहीं गिरा। तो फिर भैया।
पापा, अगर आपको हम दोनों का रहना इस घर में पसंद नहीं है तो बोल दीजिए, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उसके बदले टॉर्चर दोगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा। आज मैं भी आपको बोल रहा हूं। कुछ दिनों से अखिल के बिहेवियर में बदलाव नजर आ रहे हैं। सही कहा, मुझे भी उसके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो आप मुझे गलत ना समझो, इसीलिए चुप थी। आगे क्या करें हम? और क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए लेकर जाना होगा बस। काउंसलिंग होने के बाद भी वो पुराने उसी कंडीशन में, ये पता चला तो? तब तो कुछ नहीं कर सकते, उसे ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। और कोई सलूशन नहीं है क्या? अखिल, मम्मी से नाराज हो क्या? सॉरी बेटा, दोबारा कभी नहीं डांटूंगी। मम्मा लव्स यू। देयर वॉज अ जोकर इन द स्टोरी, ही वॉज हैप्पी 10 to 10 पीपल। सोनिका है अखिल, दरवाजा खोलो ना, मैं सोनिका हूँ। इतनी रात को? अखिल दरवाजा खोलो। आया आया। सोनिका तू इतनी रात को कैसे? थोड़ा रुको बताती हूँ। क्या हुआ सोनिका बताना। पानी, पानी चाहिए। ठीक है लाता हूँ। सोनिका, सोनिका कहाँ चली गई? माँ, हाँ?
हाँ There was a joker in the story. He was happy to entertain people. When people start to bully him, his happy face turn to अखिल हाँ? सोनिका कब आई तू मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई कहाँ है वो लोग अरे वो लोग नीचे अंकल के साथ बात कर रहे हैं अखिल मैंने यहाँ पर अपना PS4 रखा था उसका क्या हुआ वो छोड़ इधर आ जा उस रात को मेरे घर में तूने कोई इंसिडेंट देखा था ना क्या था वो वो उस दिन जब मैं वॉशरूम जाने के लिए तुम्हारे घर के अंदर आई तभी आंटी के रूम से कोई साउंड आया जब मैंने आंटी के रूम में जाकर देखा ना तब ना शर्म नहीं आती तुझे कल से काम पे मत आना कहा था ना क्यों आई तू नहीं दीदी वो दीदी कहकर मत बोला मुझे उस नाम से पुकारने का हक तो खो चुकी है दीदी आप जैसा सोच रही हैं मेरे और भैया के बीच बंद कर भैया बोलकर बुलाती है और रूम में जाकर उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करती है तू कैसी घिनौनी औरत है मुझे पता है शक का कीड़ा तेरे दिमाग में घुस गया है जुबान में हड्डी नहीं होती इसीलिए कुछ भी बोले जा रही हो तुम हर एक रिश्ते की अलग अलग कीमत होती है और जो रिश्ता नहीं है उसे बोलकर अपनी इज्जत मत गवा चलो जाओ यहाँ से जेनिफर उसने जो बोला उसको अपने दिल पे मत लगाना उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अंकल जेनिफर को शांत कर रहे थे और उतने में तुम्हारी माँ सोनिका छोड़ो छोड़ो उसे छोड़ छोड़ दो पापा पापा सोनिका अखिल सोनिका अखिल अखिल क्या हुआ अखिल ओ सोनिका 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 अरे क्या हो गया क्या हुआ क्या हुआ इसे अरे क्या हुआ मेरी बेटी को बता क्या चलते चलते करिए चलो चलिए इसे चलो क्या हो गया इसे लेकर आओ पापा चलते करो आजा चलिए चलिए मेरी बेटी पापा मैं भी आऊंगा तू यही रुक जा बेटा सोनिका को हॉस्पिटल में भर्ती करके आते पापा यही रुक देयर वाज अ जोकर इन द स्टोरी He was happy to entertain people when the people starts to bully him. His happy face
turns to anger. अखिल, तेरे आँख पे जो कपड़ा बांधा है उसे निकालना है क्या? बेटा, किसने मारा तुझे? हाँ, क्या हुआ बोलना? किसने मारा तुझे? मैंने? मैंने मारा क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने ही मारा है। तेरी उस फ्रेंड ने पूरी सच्चाई बता दी क्या? हाँ, मैंने ही तेरी माँ का खून किया है, ये भी सच बता दिया क्या उसने? गुड, बिल्कुल सही, मैंने ही मारा है, क्योंकि तेरी माँ मुझे सबके सामने शर्म बेचकर आई हुई घिनौनी औरत कहकर डांटती थी। कैसे चुप रहती मैं? हाँ, कैसे चुप रह सकती थी भला? इसीलिए मुझ पर पागलपन सवार हो गया और मैंने तेरी माँ को मार डाला और उसने खुद ही सुसाइड किया है, ये प्रूफ कर दिया। और ये तेरे पापा है ना बुद्धू, मैंने जो भी कहा वो मान लिया। बस इतना ही नहीं, बाद में पुलिस के सामने भी सबको मनवा दिया मैंने। सॉरी 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 बेटा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी बेटा, मैंने नहीं मनवाया। तेरे पापा है ना, उन्होंने मनवाया, और उसके बाद तू, तेरी मम्मी जिंदा है इस पागलपन वाले भ्रम में हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और उसके बाद मुझे ये चांस मिल ही गया कि मैं तेरे बाप से शादी करके इस पूरे घर की रानी बन गई मैं। लेकिन अब तू मेरे तैयार किए हुए इस झूठ के महल को तोड़ने आ गया, तो अब मैं तुझे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ क्या? नहीं, तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। वैसे भी तू पागल हो गया है, ऐसा पूरा शहर मान चुका है। तू खुद से ये गन लेकर शूट करके मर जाएगा तो सब लोग भरोसा कर लेंगे। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना? कैसा प्लान है मेरा? हाँ, अच्छा है ना? तेरी आंखों में आंसू? मैंने तेरी माँ का खून किया है इसलिए क्या, या फिर तुझे शूट करके मारूंगी इसलिए? बोल, बोल ना। जब उस दिन मैं आंसू बहा रही थी, बेटा, तुम्हें बेटा कहा था, तब तूने माँ बोलकर आंसू पोछे थे क्या? नहीं, तूने मेरे दर्द को नहीं समझा। लेकिन आज अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो नहीं, तू जिंदा नहीं रहना चाहिए। तब तेरी मां ने मुझे विलेन बनाया था और अब तू मुझे विलेन बना रहा है। May God bless you, my child. Thank you.
तुझे क्या लगा मैंने शूट कर दिया क्या? नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं मारूंगी क्योंकि तू मुझे बहुत पसंद है। देख, मैंने तुझे बस डराया है, धमकाया है, सिर्फ इसलिए कि तू मुझे माँ के तौर पर अपना लेगा। I'm really sorry बेटा, मैं तुझे एक लास्ट चांस देती हूँ, बस तू मुझे एक बार माँ कहकर पुकार प्लीज। हाँ देख, अगर तू माँ कहकर बुलाएगा ना तो माँ का हैप्पी फेस होगा, माँ को बहुत खुशी होगी, तुझे जो चाहिए वो सब कुछ दिलाऊंगी मैं। लेकिन अगर तूने माँ कहकर नहीं बुलाया तो माँ को बहुत गुस्सा आएगा, गुस्सा आया तो हाँ। क्या होगा? माँ क्या कहा तूने? दोबारा बुला बेटा। माँ से चला जा, भैया तो वो तुझे भी मार देगी। भैया मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? मुझे छोड़, तू यहां से चला जा। भैया यहां से चला जा, जा।
अखिल, अखिल, माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलना बहुत हुआ, माँ थक गई है अब। कहाँ पर हो बेटा? तुम्हारी फेवरेट कहानी सुनाऊंगी तुम्हें मैं। अखिल, अखिल कहाँ हो बेटा? अरे अब लुका छिपी का खेल बहुत हुआ, माँ थक गई है। तुम कहाँ पर हो? मैं ढूंढ लूँ क्या? अखिल तू जा, जा यहां से। जा तू। अखिल तू यहां आ रहा है या तेरे भैया को मार दू। तुझे ही कह रही हूँ मैं, आता है कि नहीं? नहीं आएगा? आ जा अखिल, छोड़ अखिल, छोड़ मुझे, तू जा। Thank you.
अखिल, सोनिका कैसे गिरी बेटा? अखिल, पापा, ये सब क्या है अखिल? क्या कर रहे हो तुम? आप जैसा सोच रहे हो जेनिफर बिल्कुल वैसी नहीं है। माँ सुसाइड की वजह से नहीं मरी, जेनिफर ने ही उनका मर्डर किया। क्या बोल रहा है बेटा? हाँ पापा, जब आप सोनिका को लेकर हॉस्पिटल गए तब उसने मेरा खून करने की कोशिश की थी। उसके अलावा अर्जुन भैया को भी स्लो पॉइजन दिया था। जो नहीं होना चाहिए था मैंने सोचा था वो ही हो गया बेटा। वो ही हो गया। पापा, पापा, अर्जुन भैया को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना पापा? प्लीज पापा, पापा प्लीज, अर्जुन भैया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ना पापा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ पापा। उस रात जेनिफर, अर्जुन, माँ सब मर गए थे बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं भैया जिंदा है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं अखिल, मैं तेरे साथ ही हूँ। पापा झूठ बोल रहे हैं, पापा की बात का भरोसा मत कर, मैं यहीं पर हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, नहीं बेटा, सब लोग हमें छोड़कर चले गए। नहीं, नहीं। अखिल, उस रात क्या हुआ एक बार तू याद कर बेटा। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप पर भरोसा नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हो। सोनिका कहाँ चली गई? अखिल क्या हुआ? इसी ने माँ को मार डाला। नहीं नहीं नहीं,
अखिल, अखिल नहीं, अखिल, बेटा। भैया। अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन अर्जुन अरे अर्जुन बोल क्या हुआ? अर्जुन नहीं अर्जुन अखिल जेनिफर 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 क्या हुआ? अखिल अखिल क्या हुआ? अखिल बोल। पापा, माँ, माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी। भैया लक्ष्मी लक्ष्मी मैं अभी भी तेरी कसम खाकर कहता हूं मेरा और जेनिफर का सिर्फ भाई बहन का संबंध था तुमने जो सोचा था वैसा संबंध नहीं था लक्ष्मी भैया 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 उठ
भैया 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 प्लीज उठ जाओ भैया भैया उठो ना भैया आंखें खोलो ना भैया आंखें खोलो उठ जाओ भैया भैया मत जाओ ना भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया भैया प्लीज प्लीज भैया भैया प्लीज भैया उठ जाओ ना भैया 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 उठो ना भैया उठो देखा ना इंस्पेक्टर, अखिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी मैंने एक कंप्लीट रिपोर्ट आपको सबमिट की है। ओके डॉक्टर, मुझे इस फुटेज की कॉपी चाहिए। रमेश, इस फुटेज को कॉपी करके इंस्पेक्टर साहब को दे दो। ओके सर। फर्दर इंफॉर्मेशन अगर मुझे कुछ लगेगी तो मैं आकर आपको वापस मिलूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। भास्कर जी, अखिल के बिहेवियर में छोटा सा चेंज देखने के बाद आपने फोन किया, ये बहुत अच्छा काम किया। हाँ भास्कर जी बोलिए। कुछ दिनों से अखिल के बिहेवियर में बदलाव नजर आ रहे हैं। उसी दिन मैंने कहा था ना भास्कर, अखिल अभी तक पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है। बताओ आगे क्या करें? एक बार उसे काउंसलिंग के लिए लेकर आओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, काउंसलिंग होने के बाद भी अगर उसकी हालत ऐसी रही तो क्या करेंगे? तुम एक काम करो भास्कर, अखिल को इस बात का पता ना चले तुम कुछ दिनों के लिए उसके रूम में एक हिडन कैमरा फिक्स कर दो। तभी हमें उसके बर्ताव में क्या बदलाव आया है और जब वो अकेला रहता है तब कैसा बिहेव करता है ये हमें पता चल जाएगा। वो सब देखकर आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर फिर आगे? फिलहाल अखिल हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, फर्दर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो खत्म होने तक हम कुछ नहीं कह सकते। सर, राजू क्या हुआ? सर जेसिका, सर जेसिका। जेसिका? क्या हुआ जेसिका को? सर जेसिका मिसिंग है। व्हाट? पहले इंस्पेक्टर कृष्णा के पास जाकर कंप्लेंट करो। ओके सर। डॉक्टर, जेसिका कौन है? जेसिका एक नोटोरियस साइको किलर है, बड़े बड़े लोगों के घर में काम वाली बनकर जाती है और वहां रहकर उन्हें बहुत क्रूर तरीके से उनका खून करके बिना कोई सुराग छोड़े वहां से भाग जाती है। लास्ट ईयर आखिरकार वो पुलिस के हाथों लग गई। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी इसलिए उसका हमारे हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया। और एक बात आपको पता है क्या? आपका बेटा अखिल जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसी दिन जेसिका भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी।